अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। बहुत ही फैंसी होगा और पहनने में भी अच्छा लगेगा और बनाने में भी आसानी होगी। उसका तरीका यह है कि ये मैंने पेपर लिया है और पेपर मैंने इसके मुताबिक लेना है। इसको ऐसे डबल कर लेना है। तो पहले जो मैं डिज़ाइन बनाऊँगी वो ये देखें, ये मैंने लूप्स ली है चौड़ी, ये मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अब आपने ये देखना है कि ये दो दो इंच आप लेंगे तो आधी इंच इधर से और आधी इंच इधर से, ये एक इंच तैयार रहेगी, ये हो जाएगा। और उसके बाद ये मेरे पास ट्राउज़र है, इसकी सिलाई मैंने कर ली है, सिलाई भी कर ली है। इसका मैंने अभी ऊपर से नेफा नहीं तैयार किया, मैं बाद में करूँगी। तो ये नेफे का कपड़ा रखते हुए मैंने ये 35 इंच रख ली है, क्योंकि ये तैयार है जो ये 38 इंच है। तो मैंने 4 इंच इसको कम कर लिया है, तो इसके अंदर डिज़ाइन बनेगा, इसलिए मैंने 38 इंच तैयार करना है इसके अंदर। तो एक डिज़ाइन मेरा ये होगा कि मैंने एक एक इंच की, ये दो दो इंच की पट्टियाँ काट के तो इनको सीधा सीधा इधर लगा लेना है। तो दूसरा डिज़ाइन मैं जब इसके नीचे जो बनाऊंगी वो पट्टी डाल के इसके ऊपर वो बनाऊंगी, और उसका तरीका मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम इसकी पट्टियां लगा लेते हैं जो हमने इसके नीचे लगानी है। पहले वो मैंने दो दो इंच की कटिंग करनी है, इस तरह मैं दो दो इंच की कटिंग कर लूंगी। तो इस पे लगाना बताती हूँ। ये मैंने दो दो इंच की कटिंग कर लिया है, कि ये दो दो इंच की कटिंग कर ली है। अब इसको मैं इसके ऊपर लगाती जाऊंगी इस तरह, इतने इतने वक्त पे आधी आधी इंच पे। तो इधर से लगानी शुरू करूंगी ऐसे, तो इधर सिलाई लगाती जाऊंगी, इसको रखती जाऊंगी ऐसे, तो सिलाई लगाती जाऊंगी। अब सिलाई के साथ लगा के बताती हूँ। इतने इतने वक्फे पे हम लगाते जाएंगे इस तरह, क्योंकि ये 5 के मुताबिक हमने ये कपड़े, ये चीज़ ले ली है, तो इसको हमने कवर करना है। और इधर से सिलाई लगा के जब ये हमारी सारी की सारी लूप्स लग जाएंगी तो फिर हमने इस साइड पे भी लगा लेनी है, ताकि ये इसके साथ पूरे का पूरा मुकम्मल जुड़ जाए। ये पट्टियाँ मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है, तो ये इस साइड पे नीचे लगेंगे सलवार के। इसके बाद हमने एक चौड़ी सी पट्टी लेनी है, वो मैं बाद में बनाती हूँ। पहले मैं इसका जो क्रॉस वाला डिज़ाइन है वो बना लूँ। उसके लिए हमने ये दो दो इंच की हमने कटाई की थी, हमें 1 इंच तैयार चाहिए था। तो ये तैयार 1 इंच चाहिए, लेकिन हमें ये 3 इंच लेंगे तो फिर ये क्रॉस वाली जो बनाएंगे हम डिज़ाइन वो हमें मिलेगा, क्योंकि ये सीधा था और ये हमने इसी तरह इसको इसको मैंने कटिंग कर ली है। अब ये 3-3 इंच की कटिंग की है, ये 3-3 इंच कटिंग की है। अब इसको हमने इस तरह, इसी तरह जिस तरह ये सिलाई शुरू की है एक साइड से, इसी तरह हमने सिलाई शुरू करनी है। तो ये दोनों को पट्टियों को इस तरह ऐसे रखते जाना है। इधर से शुरू करेंगे तो एक इधर रखते जाएंगे ऐसे, और एक इधर रखते जाएंगे ऐसे, ठीक है। हमें ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाली, ये हो गया। अब हमने इसी तरह ये सारी की सारी पट्टियाँ इसको क्रॉस बनाते हुए ऐसे ऐसे, ये हमने ये तिरछी डब्बियाँ रखती जानी है इस तरह। तो एक सिलाई में हमने इधर ये लगाती जानी है, और जब हम इस साइड पे आएंगे तो ये पहले लगी होंगी तो फिर इस पे सिलाई लग जाएगी। इस तरह मैं रख के बता रही थी, मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों तरफ। उसके बाद ये चीज़ लैदा करके तो ये मैंने पेपर टी 1 इंच की कटाई कर ली थी, इसकी लंबाई इसके मुताबिक रख ली है जितना ये है, लेकिन इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रख ली है। 1 इंच रख के तो मैंने पेपर टी पे चिपका लिया, कपड़े पे चिपका लिया इसको, ऐसे कपड़ा पे ऐसे रख के तो इसको इस तरह रखना है।
वो इसलिए इसको इस तरह रख रहे हैं कि जब हमने इस चीज को, ये देखिए इधर मैंने इस्त्री की मदद से इसको फोल्ड कर लिया, तो अब मैंने इसको इस तरह सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जब मैं इस पर लगाऊंगी इसको इस तरह लगा लूंगी, और ये जो खुला हुआ है इसका वो मैं इसके अंदर ऐसे ऐसे रखती जाऊंगी तो सिलाई लगाती जाऊंगी। तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया, इसको ये इसलिए किया है कि जब मैं इसको इस तरह सिलाई लगाऊंगी तो इसको ऐसे डबल सिलाई लग जाएगी, तो ये धागे जो निकल रहे हैं अगर ऐसे रखूंगी तो फिर धागे निकलेंगे, तो इस तरह धागे निकलेंगे लेकिन कम निकलेंगे। तो मैंने इसको इस तरह अंदर की तरफ मोड़ लिया। इसको लगा के अब मैं पहले इसको जो अंदर वाला है इसको अंदर लेके जाना है, ये लगा के फिर इसके साथ इसको लगा लूंगी। इसको ऐसे खोल के जिधर पेपर पट्टी वाला हिस्सा है वो मैं ऊपर लेके आऊंगी इधर, तो जिधर जिधर सिलाइयां लगी हुई हैं उसको सिलाई को मैं नजर नहीं आने दूंगी, तो इस तरह मैं इसको सिलाई लगाती हूँ। इसके बाद हमने ये चीज़ तो पहले जोड़ ली है, अब हमने इस चीज़ को जो तैयार किया हुआ है पहले ही, तो जाहिर बात है इसके अंदर मैंने इस अंदर लगा लिया है, तो ये इस तरह इसको मैंने डबल कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। तो अब इसको मैं इस तरह सिलाई ऐसे अब ये मैंने नीचे 2 इंच का कपड़ा ले लिया है, इसको मैंने मगजी लगानी है, और मगजी लगाने के लिए मैंने कपड़े को नीचे रखा है और जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर मैं इसको ऐसे रखती जा रही हूँ, सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसको सिलाई तो लगा लिया इस तरह रख के, अब हमने इसको इस तरह करके ये चीज़ जो है मगजी के तौर पे इसके बराबर हमने इसके जो फालतू इसकी कटिंग कर लिया जो इसके ये चीज़ बनी हुई थी, तो हमने अब इसको ऐसे ऐसे करके मगजी लगा लेनी है। और मगजी हमने लगानी है तो जो सिलाई लगी हुई है नीचे ये वाली, इसको हमने नज़र नहीं आने देना, इसको हम इस तरह सिलाई के साथ सिलाई इस तरह लगाएंगे कि वो नीचे वाली सिलाई नजर ना आए, इस तरह। मगजी लगाने के बाद ये हमारा फाइनल हो गया है, अब हम साइड सिलाई लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको ये आपको दिखा दें कि ये हमने इधर सिलाई इधर भी देखें इस तरह ये लग रहा है, तो इधर से भी सिर्फ ये वाली चीज़ है ये बाहर की तरफ है, इसके धागे निकलने के थोड़ा सा होगा कि इसके धागे निकलेंगे, लेकिन हमने इस पर सिलाई डबल लगा लिया पक्की लगा लिया तो ये कम निकलेंगे। अब हम इसकी देखेंगे कि इसके 5 के मुताबिक इसकी कितनी सिलाई है, तो हम उसको 7 इंच इसकी शायद है, तो मैं इसकी साइड सिलाई लगा के तो फिर आपको इसकी ये वाला पेपर उतार के फाइनल लुक बताती हूँ। मगजी लगा के साइड सिलाई मैंने लगा ली है,
अपने पांचे में के मुताबिक आप लगाएं। अगर आप शलवार शेप इसको देना चाहती हैं तो फिर भी ये सही लगेगा, अगर इसका ट्रोज़र है पजामा है फिर भी ये सही लगेगा। तो ये देखें मेरा ये कंप्लीट है डिज़ाइन। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।